तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं डेट एंड टाइम कैलकुलेशन। डेट एंड टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक सिंपल सी, हम ये जानना चाहते हैं पहले कि किसी भी सेल के ऊपर हम टाइप कैसे करेंगे डेट को। देखिए, डेट को डालने से पहले आप देख लीजिए कि आपका जो नीचे आ रहा है सिस्टम डेट किस फॉर्मेट में है। तो मेरा सिस्टम डेट है DDMMYY, मतलब कि डेट मंथ तब ईयर, क्योंकि मेरा रीजन को सेटिंग से जो रीजन है, रीजन सेटिंग जो है वो है इंडिया, लेकिन डिफॉल्ट बहुत सारे लोगों का होता है यूएसए होता है, तो वहां पे आपको MMDDY में डालना। तो मोस्टली जो होता है जैसे आज का डेट डालना है तो मोस्टली लोग डालते हैं /16, लेकिन मैं ऐसा डालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं डालूंगा 16/8, तब जाके ये अगस्त आएगा। डेट का डिफॉल्ट फॉर्मेट है, कंट्रोल शिफ्ट हैश डालें तो ये फॉर्मेट में आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेट सिस्टम डेट के चेक करके डालिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि आपने डाल दिया 10th जुलाई, लेकिन वो आपका जो है 10 जुलाई आपने डाला तो क्या होता है, 7वां महीना और 10वां दिन। लेकिन अगर सिस्टम फॉर्मेट मेरा अलग है तो मेरे सिस्टम पे आए क्या हो जाएगा, 10वां दिन 7वां महीना, 7वां दिन और 10वां महीना, मतलब कि 10/7 अक्टूबर हो जाएगा। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपको ऐसा लगता है कि हर आदमी, हर सिस्टम का डेट अगर डिफरेंट फॉर्मेट में है और मेरा डेट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप डेट को डेट फॉर्मेट में, डेट फॉर्मूले के अंदर डाल के भेज दीजिए कि 2022 मंथ हो गया 8, डेट हो गया 16। ये क्या करेगा, हर सिस्टम पे सेम डेट शो करेगा, हर सिस्टम पे सेम डेट शो करेगा, चाहे फॉर्मेट कुछ भी क्यों ना हो। अब इसी में एक चीज और भी आता है कि डेट का फॉर्मूला लगा के आप इसमें से डेट को एक्सट्रैक्ट, सॉरी डे का फॉर्मूला या ईयर का फॉर्मूला, ईयर का फॉर्मूला लगा के आप ईयर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मंथ का फॉर्मूला लगा के आप इसमें से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और डे का फॉर्मूला लगा के इसमें से डे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर वापस डेट फॉर्मूले से कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ईयर मंथ और डे रिजल्ट आपका आ जाए। तो इस तरह से हम डेट को स्ट्रैक करके कंबाइन करते हैं। अब चलिए सिस्टम डेट के लिए हम टुडे का फॉर्मूला लिखते हैं कि इक्वल टुडे। टुडे फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट दे देता है। अब मुझे करेंट सिस्टम डेट में मान लीजिए 20 ऐड करना है, 20 दिन ऐड करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें जाना है और 20 डे सेलेक्ट कर देना है, ये ऐड हो जाएगा। तो किसी भी डेट में कोई डेट, किसी के नंबर ऑफ डेज को माइनस करना हो या प्लस करना हो, कुछ नहीं करना है, आप उसमें जाके प्लस माइनस कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर डेट में मुझे 3 महीने ऐड करना है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे जो ऐड करना है, क्या ऐड करना है, महीने से डेट हो गया और यहाँ पे मंथ हो गया, और मुझे क्या करना, ऐड करना है। अब 3 महीने ऐड करने के लिए दिक्कत हो सकती है, क्यों, क्योंकि अब 90 डेज थोड़ी ऐड करोगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ई डेट का, इसका होता है ई डेट। ई डेट फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी डेट में नंबर ऑफ मंथ को ऐड कर सकते हैं, और फॉर्मेट है तो आप इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, तो आप जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर, ई डेट का फॉर्मूला हमने लगाया और ऐड डेट, समझ गए सर। सॉरी, ऐड मंथ हो जाता है
एड डेज। अगर आपको माइनस करना है तो माइनस पे 3 कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा, प्लस कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा। लेकिन मुझे किसी डेट में, मान लीजिए इसी डेट में ऐड करना है, यहाँ ईयर है, मंथ है और डे है, मतलब 2 साल 4 महीने और 20 दिन ऐड करना है, तो क्या होगा? तो इसमें हम इस फंक्शन को यूज करेंगे, जो फंक्शन है इसको यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे डेट का फॉर्मूला, डेट में से हम ईयर को अलग करेंगे इसमें से, प्लस 2 कॉमा, मैं मंथ को अलग करूंगा, प्लस 4, फिर डे को अलग करूंगा, इसे प्लस करूंगा 20, ईयर मंथ डे, और हम ऐड करते चले गए। मैं दोबारा से बता रहा हूँ सर, देखिए ध्यान से, डेट ईयर का फॉर्मूला हमने इसमें से ईयर लगा के इसमें से ईयर अलग करा, प्लस हमें यहाँ पे 2 मैनुअली लिख देता हूँ, या फिर आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, फिर कॉमा मंथ, इसको सेलेक्ट किया और इसमें से मंथ को अलग किया और इसमें प्लस कर देता हूँ 4, फिर कॉमा हम डे का फॉर्मूला लगाते हैं और इस डेट में से डे को अलग करके प्लस 20 कर देते हैं। ओके सर, रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि 5/1/2025 का आ गया। तो आपने सीखा कि किस तरह से डेट में डेज, मंथ या तीनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? एक चीज पूछना था, जैसे मंथ में हमने 3 ऐड किया, मंथ को वहां पे 12 से ज्यादा ऐड करेंगे तो वो भी नहीं हाँ, रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 से ज्यादा होते क्या होता है, ऐड हो जाता है। 12 से ज्यादा से यहाँ पे क्या हुआ, 20 है ना, और 16 20 कितना, 36 हो गया ना, 36 होते ही 6, इसलिए 5, 35 हो गया, सॉरी 5 रख लिया और क्या बोलते हैं, एक मंथ जोड़ दिया, 4 में एक जोड़ दिया, ऐसे ही 12 होगा, 13 मान लीजिए जोड़ने पे, मान लीजिए 8 4 हुआ, तो 9 4 13 हुआ, तो 12 क्या करेगा, एक 12 को 1 साल बना के ईयर में जोड़ देगा और 1 महीना दे देगा। देख लीजिए, आपका अगर कंफ्यूजन है तो फॉर्मूला एलिबरेट करके देखिए। ठीक है सर, तो 36 हुआ ना सर, 36 से 5 हो गया और 12 जोड़ के 12 को 13 कर दिया, और जब 13 हुआ तो ये क्या किया, 12 को ईयर ईयर बना के 2024 में डाल दिया, और 2024 को 25 कर दिया। बच गया, ये तो थी हमारी एडिशन, हमने ऐड किया। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन, ये हमारा क्या था, एडिशन। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास 1 जनवरी का डेट है और आज का डेट है, इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस मुझे निकालना है, कितने नंबर ऑफ डेज हुए। तो डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट दीजिए, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, या फिर आप लगा सकते हैं फॉर्मूला डेज का, डेज में भी एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट करेंगे तो नंबर ऑफ डेज निकाल के दे देगा। लेकिन मुझे दो डेट के बीच का जो डिफरेंस निकालना है वो निकालना है कि इसमें नेटवर्क डेज आना चाहिए, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे ही रहना चाहिए। तो यहां हम लेते हैं नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट एंड डेट एंड
कोई होलीडे लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये आपके सामने आ जाएगा। इसे सैटरडे एंड संडे को काउंट नहीं किया है। उसी तरह से मुझे तो डिफरेंस तो चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ संडे या मंडे को, एक होलीडे, एक हमारा वीकेंड फिक्स नहीं है, ऐसे वीकेंड को करना चाहता हूँ। तो यहां हमने क्या किया, हमने यहां पे लगाया नेटवर्क डेज डॉट आई एन टेल फॉर्मूला, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहां पे आप वीकेंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे मैं सिर्फ संडे सेलेक्ट कर लिया, उसके अलावा हॉलीडे से 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसा कुछ है उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, तो आपके सामने देखिए 195 डेज आ गया। अच्छा एक फॉर्मूला और है, डेज 360, दो डेट के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं डेज 360 से, मतलब वो साल को 365 दिन नहीं 360 दिन मानता है, उसके बिहाव पे अलग करेगा। ओके, अब इसमें एक चीज और भी है कि मैंने यहाँ पे डेट डाला, और मान लीजिए आज का डेट डालता हूं, अब मुझे 10 दिन बाद का नेटवर्क दिन चाहिए, मतलब कि 10 दिन 10 वर्किंग डेज बाद कौन सा डेट पड़ेगा, तो उसके लिए आता है वर्क डे और स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डेज एंड छुट्टियां अगर कोई है सैटरडे संडे के अलावा तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपको डेट दे दी। लेकिन अगर सैटरडे संडे नहीं सिर्फ संडे छुट्टी है तो क्या करेंगे, वर्क डे डॉट आई एन टी एफ, यहाँ पे स्टार्ट डेट डेज एंड होलीडे, मैंने अपना होलीडे सेलेक्ट कर लिया कि सिर्फ संडे संडे है, और यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है सर, ये आपका इम्पोर्टेंस है, ये आपका हमने दिखा दिया डिफरेंस कि आप दो डेट के बीच में हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आपने सीख लिया विदाउट इसमें। आप थोड़ी सी मिसलेनियस फॉर्मूले के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि मैंने आज का डेट डाला और मुझे एंड ऑफ डेट चाहिए, ईओडी एंड ऑफ डेट, तो एंड ऑफ मंथ, सॉरी एंड ऑफ मंथ, तो यहाँ पे ईओ मंथ का फॉर्मूला होता है। ईओ मंथ का फॉर्मूला क्या करता है कि आपको इस डेट का, हमने यहाँ पे 0 कर दिया, तो इस डेट का जो आखिरी मंथ है वो दे देगा कि देखिए ये आपका डेट, इसको हम दे कर देते हैं, हाँ 31 अगस्त 2022। ठीक है, अच्छा इसी में मैं महीना 1 कर दूं तो ये अगले महीने की, 2 तो उसके अगले महीने की, 3 तो उसके अगले महीने की, और माइनस में कर दूं तो पिछले महीने की आ जाए। ठीक है सर, तो ये एंड ऑफ मंथ इसके लिए वर्क करता है, क्लियर है। उसके बाद अगर आपने यहाँ कुछ डेट डाला हुआ है, जैसे मैं कुछ डेट डाल देता हूँ यहाँ पे, मुझे इसके वीक वीक चाहिए, तो हमारे पास वीक डे फॉर्मूला है जो कि बताता है, यहाँ पे मैं दो देता हूँ, कि मंडे से मैं वीक शुरू होता है, इसे 2 सेलेक्ट कर लिया, तो ये बता देगा मंडे ट्यूजडे वो 1 2 3 4 5 में बताएगा। लेकिन मुझे मान लीजिए कि पूरे साल का कौन सा वीक है, तो आपके लिए यहाँ पे वीक नम का फॉर्मूला है, इसको सेलेक्ट कीजिए और ये वीक नम बता देगा। लेकिन सैटरडे संडे इस तरह का चाहिए तो उसके लिए तो टेक्स्ट फॉर्मूला होता है जो कि सैटरडे संडे का फॉर्मूला आपको देगा। समझ गया, ये थी हमारी डेट की कैलकुलेशन। अब इस पे आपको मैं देता हूं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपका ये है कि मेरे पास यहां मंथ है, मंथ में जैन फेब मार्च इस तरह से डला हुआ है,
अब आपको इसका स्टार्ट डेट और एंड डेट चाहिए। सेम मुझे यहां पे क्वार्टर डले हुए हैं, अब इस क्वार्टर का स्टार्ट डेट और एंड डेट चाहिए, ठीक है? हो जाएगा सर आप लोगों से? तो दो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को मुझे करके भेजिए, ठीक है? ठीक ये फॉर्म, ये फाइल भेज देता हूँ आपके इसमें सिस्टम पे।